नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर उद्धव ठाकरे ने अब खाला साहेब के इशारों पर चलते हुए दो बड़े फैसले किए हैं। एक बड़ा फैसला ये है कि आरएसएस के एक जो संस्थान था, पुनरुत्थान शोध संस्थान, उसको देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना की सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी में एक छूट प्रदान की थी, जो करीब 1.5 करोड़ रुपए की स्टैम्प ड्यूटी बनती थी। अब उस छूट को उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के इशारे पर रद्द कर दिया है। ये संस्थान दरअसल नागपुर के जो करोल तहसील है उसमें बनाया जा रहा है। करीब 105 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी आरएसएस ने इस संस्थान को बनाने के लिए, और इस जमीन की खरीद पर स्टैम्प ड्यूटी में और बाकी चीज़ों में छूट दी गई थी, जो कि 1.5 यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए की बनती थी। और ये जो फैसला लिया गया था, इसमें दोनों ही पार्टियां यानी कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। लेकिन अब शिवसेना न केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी दुश्मनी निभा रही है, बल्कि आरएसएस के साथ भी अपनी दुश्मनी निभाने पर उतर आई है। और उसकी वजह यह है कि पहले शिवसेना बाला साहेब के सिद्धांतों पर चलती थी, लेकिन अब उद्धव की शिवसेना खाला साहेब यानी कि सोनिया गांधी के इशारों पर नाच रही है। और यही वजह है कि इस शिक्षण संस्थान के ऊपर से जो स्टैम्प ड्यूटी की छूट थी उसको रद्द कर दिया गया है। इसको लेकर अब आरएसएस क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आरएसएस से इसी तरीके से कांग्रेस ने भी बहुत सारे चीज़ों में पंगा लिया था, आरएसएस को परेशान करने की कोशिश की थी, बदनाम करने की कोशिश की थी, और उसके बाद आरएसएस अपने काम में जुटा रहा, जिसकी वजह से जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से उखाड़ फेंका। क्योंकि आरएसएस का इस देश में बहुत काम है, बहुत नाम भी है, उसके बावजूद अगर एक सांस्कृतिक संस्था के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है तो जनता उसका जवाब भी देती है। दूसरी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने एक और बड़ा फैसला लिया है, और वो ये है कि महाराष्ट्र में 7 चीनी मिलें जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेताओं की थी, उनके ऊपर से 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो कर्ज गारंटी गवर्नमेंट देती है उसको वापस ले लिया है। और इसको देने का फैसला हुआ था सितंबर में, तब भी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन अब उद्धव ठाकरे उस बात से मुकर गए हैं और उन्होंने ये बड़ा फैसला लेते हुए इन चीनी मिलों को जो गारंटी दी जाती है, दरअसल ये सहकारी चीनी मिलें होती हैं और इनके डायरेक्टर जो होते हैं वो लोग होते हैं, उनमें एक मिल पंकजा मुंडे की भी है, दूसरी भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी दल की है जिसके विनय कोरे की एक मिल बताई जा रही है। उसके अलावा और 5 नेता हैं जिनको ये झटका दिया है शिवसेना ने, और इसमें ये कहने की कोशिश की गई है एकनाथ शिंदे के द्वारा कि ऐसा हमने केवल नियमों के आधार पर किया है, हम किसी से बदला लेने के लिए ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन सभी जानते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई किस लिए और कैसे की जाती है। निश्चित तौर पर अब शिवसेना जो उस ओछी हरकतों पर उतर आई है, और उसकी वजह यह है कि सोनिया गांधी जो कि खाला साहब हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी की, और शरद पवार के इशारों पर शिवसेना इस तरीके के हथकंडे अपना रही है, जिसका कि जनता को भी ये समझ में आता है कि ये क्यों किया जा रहा है। और इसी को लेकर जिस तरीके से ये पूरी बातें हुई हैं महाराष्ट्र को लेकर, एक फिर से इंटरव्यू आया है नितिन गडकरी का, और उन्होंने कहा है कि ये जो सरकार है गठबंधन की कीमत इसको चुकानी पड़ेगी, शिवसेना को इसको सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि शिवसेना उन पार्टियों के साथ खड़ी हुई है और जिनके बजाय दूसरे गठबंधन को जनता ने चुना था सत्ता चलाने के लिए। यानी कि महाराष्ट्र की जनता ने एनसीपी और कांग्रेस को नकार कर उनको सत्ता से दूर रखने के लिए जनादेश दिया था, लेकिन शिवसेना ने उस पूरे जनादेश को पलट दिया है, और यही वजह है कि अब शिवसेना अपने सिद्धांतों से हटकर खाला साहब के इशारों पर काम कर रही है और महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दम भर रही है। लेकिन ये सरकार कब तक चलेगी ये तो पहले दिन से ही पता है, जिस तरीके से इस सरकार के मंत्रिमंडल के जो विभाग हैं उनके बंटवारे अभी तक नहीं हो पाए हैं। उसके अलावा उप मुख्यमंत्री को लेकर विवाद था, बाद में शरद पवार के तमाम बयान सामने आए, और उसके बाद जिस तरीके से शिवसेना की तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं, विरोधाभासी बयान कांग्रेस के और शिवसेना के, उससे यही लगता है कि दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां यहां पर केवल और केवल जितने दिन सरकार चल सकती है उसको मानकर अपने अपने तिजोरियां भरने की फिराक में बैठी हुई हैं। और इसको लेकर जिस तरीके के और भी खबरें आ रही हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में अभी निकाय चुनाव हुए हैं उनके अंदर भी देखने को मिला कि तीनों पार्टियों में कोई तालमेल नहीं है, और भिवंडी में भी देखा गया कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो मोर्चा था कोणाक अगाड़ी, उसने जीत हासिल कर ली और वहाँ पर
एक उनका मेयर बन गया, निश्चित तौर पर उसकी वजह से भी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उसी का नतीजा है कि अब दबाव में आकर शिवसेना ने आरएसएस के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शुगर मिलों के खिलाफ इस तरीके के फैसले लिए हैं। वो ये चाहते हैं कि ऐसे फैसले लेने से शायद एनसीपी और कांग्रेस उनसे नाराजगी को कम कर लेंगे और उसके बाद वो अपनी सरकार को चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से अब खबरें आ रही हैं, जो फॉर्मूला सामने आ रहा है मंत्री पद का, उसमें 16 मंत्री देने की बात अगर एनसीपी को की जा रही है शिवसेना की तरफ से, तो इसका मतलब ये है कि इस समय उद्धव ठाकरे बहुत ज़्यादा दबाव में हैं शरद पवार के और खाला साहेब सोनिया गांधी के। यही वजह है कि इन दोनों पार्टियों ने मंत्री पद को लेकर जिस तरीके से दबाव डाला है और अब जो मलाईदार मंत्रालय है, चाहे गृह मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, राजस्व मंत्रालय हो या PWD हो या फिर शहरी विकास और ग्रामीण विकास के मंत्रालय हो, इनको लेकर भी खींचतान चल रही है, जिसकी वजह से अभी तक न तो मंत्रिमंडल का विस्तार की घोषणा की जा रही है और न ही जो मंत्रियों को विभाग बंटने हैं उसकी घोषणा की जा रही है। अभी तक सिर्फ उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर ही सरकार चला रहे हैं, किसी भी तरीके का किसी भी डिपार्टमेंट को अभी उसका मंत्री घोषित रूप से नहीं मिला है, जो कि सीधे तौर पर बताता है कि ये गठबंधन अभी भी दबाव में है और पूरी तरीके से सहज होने में इस गठबंधन को कितने समय लगेगा ये महाराष्ट्र की जनता अभी इंतजार कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से राजनीति हुई है और उस राजनीति के परिणाम क्या होंगे, इसको लेकर लोगों के अंदर अंदेशा है, क्योंकि शिवसेना की जो सोच है वो सीधे तौर पर उलट है कांग्रेस और एनसीपी की सोच से। उसके बावजूद शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ के कांग्रेस और एनसीपी के साथ नया गठबंधन बनाया और उसमें अपनी सरकार बना ली, जिसके लिए वो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो उनका मुख्यमंत्री मान ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए राजी नहीं हुई और जब वो राजी नहीं हुए तो उसके बाद सीधे तौर पर शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी से खुद को अलग करके एनसीपी के साथ सरकार बनाने के दावे किए। हालांकि वो सरकार बनने में काफ़ी दिन लगे और उसकी वजह यह थी कि वो दावे जो हो रहे थे संजय राउत की तरफ से, वो झूठे दावे थे, हवा में दावे किए जा रहे थे और एनसीपी के शरद पवार ये नहीं चाहते थे कि वो शिवसेना के अंडर में काम करें या उनकी पार्टी उनके अंडर में काम करे, इसीलिए वो अपना दबाव बनाने के लिए इस मामले को टालते रहे। और बाद में किसी तरीके से सरकार बनी तब भी शरद पवार ने जो तय हुआ था कि उप मुख्यमंत्री पद उनकी पार्टी ले लेगी, लेकिन उन्होंने नहीं लिया और सार्वजनिक तौर पर ये कह दिया कि उप मुख्यमंत्री के पास कोई पावर नहीं होती है, इसलिए हम उप मुख्यमंत्री पद से खुश नहीं हैं। जिसके बाद शिवसेना ने उन्हें 16 मंत्री पद देने की बात की और उप मुख्यमंत्री पद देने की बात की। हालांकि शरद पवार और अजीत पवार दोनों ही ये चाहते हैं कि इस सरकार में ढाई ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री के पद का बंटवारा हो और शायद ये बात हो भी चुकी है, लेकिन चूंकि शिवसेना की तरफ से ये कह दिया गया कि 5 साल के लिए वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसी वजह से शरद पवार और उनके भतीजे नाराज हुए और अब शायद शिवसेना इस बात को मान गई है। हालांकि अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि शिवसेना 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री अपने पास रखेगी और 2.5 साल बाद ये मुख्यमंत्री का पद एनसीपी को मिलेगा। लेकिन एनसीपी को इस बात को लेकर बहुत संशय है कि जब 2.5 साल उनके आने को होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि शिवसेना चुनावों की तरफ राज्य को ले जाए और उन्हें मुख्यमंत्री बनने ही न दे। इसी वजह से एनसीपी अब मंत्रालयों को, बड़े मंत्रालयों को अपने पास लेने पर, अपने साथ रखने पर अड़ी हुई है और यही कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे टेंशन में हैं। उनको अब तनाव ये है कि अगर बड़े मंत्रालय इन दोनों पार्टियों के पास चले जाएंगे तो उनके पास केवल रह जाएगा मुख्यमंत्री पद का झुंझुना। वो अब सोच रहे हैं कि शायद उन्होंने बड़ी गलती कर दी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल न होकर। उनकी एक इच्छा तो पूरी हो गई कि वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उसके अलावा अब पावर के रूप में या ताकत के रूप में उनको इस सरकार में कुछ उनके पास बचने वाला नहीं है, जिसकी वजह से वो तनाव में है और दुखी है और इसी वजह से वो कांग्रेस एनसीपी को खुश करने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। बढ़ते हैं महाराष्ट्र से आगे, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में सांसद फारूक अब्दुल्ला ने एक लेटर लिखा है शशि थरूर को। दरअसल शशि थरूर ने एक लेटर लिखा था फारूक अब्दुल्ला को, जिसके जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने एक लेटर लिखा है और इसमें उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरा डाक मुझे समय पर नहीं दिया जा रहा है। मैं जानता हूं कि संसद के वरिष्ठ सदस्य और राजनीतिक दल के नेता इस तरह का व्यवहार नहीं होता है। हम अपराधी नहीं हैं।
दरअसल फारूक अब्दुल्ला के ऊपर पीएसए लगा हुआ है, यानी कि पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट लगा हुआ है, जिसकी वजह यह है कि जिस तरीके से 370 और 35 से हटाने की बात चल रही थी, उस समय चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, पीडीपी के महबूबा मुफ्ती हो, या फारूक का बेटा उमर अब्दुल्ला हो, इन्होंने इस तरीके के बयान दिए थे कि ये हिंसा भड़काना चाहते थे और लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे थे। इनके बयानों में ये कहा जाता था कि ये आग से खेलने जैसा है, ये बारूद के ढेर पर बैठा है कश्मीर, अगर ऐसा हुआ तो कयामत आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कश्मीरी हाथ में हथियार उठा लेगा और हम नया झंडा उठा लेंगे। इस तरीके की बातें करने की इन लोगों ने कोशिश की, और जब 370 और 35 से हटाया गया तो एहतियात के तौर पर केंद्र सरकार ने इन तीनों को नज़रबंद किया, क्योंकि इस तरीके के बयानों से जो कश्मीर का माहौल था वो बिगड़ सकता था, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये चाहते थे कि कश्मीर में यथास्थिति बनी रहे और इसका खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा था वो कश्मीर की जनता को भुगतना पड़ रहा था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर जब पूरी तरीके से दो केंद्र शासित राज्यों में बंट चुका है और उसके बाद चुनावों की भी घोषणा जल्दी होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर अब परिसीमन का काम भी शुरू होने वाला है, तो फारूक अब्दुल्ला हो, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो, इनकी राजनीति पूरी तरह खत्म हो गई है और अब ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि फारूक अब्दुल्ला इस तरीके के लेटर लिखकर इस बात को फिर से अपने प्रति सहानुभूति जगाना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।